हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। सिडबी ग्रेड एग्जाम में लगभग 20 से 22 दिन बाकी हैं और बहुत सारे बच्चे अभी अपनी प्रिपरेशन में गियर चेंज कर चुके होंगे और काफी सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उस प्रैक्टिस का एक बड़ा सा पार्ट मॉक टेस्ट भी है। ठीक है, बट मॉक टेस्ट में उतना स्कोर नहीं आ रहा तो उस स्कोर को कैसे इम्प्रूव करना है, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, मॉक टेस्ट देने के पीछे क्या जरूरत है हमारी, कि हमें मॉक टेस्ट देने क्यों जरूरी है, कितने देने हैं, कितना स्कोर इंप्रूव करना है, किस सेक्शन में पर्टिकुलर कितना टारगेट रखना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना है इन मॉक टेस्ट को, ये सारा आज के वीडियो का एजेंडा रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि वाई दिस इज नीडेड, यानी कि मॉक टेस्ट देना जरूरी क्यों है हमारे लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो डीमोटिवेट ना हो जाएं, कहीं मॉक में कम स्कोर कम आया तो डीमोटिवेट हो जाएंगे, इसलिए वो मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में जाते हैं, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि मॉक देना जरूरी क्यों है। तो उसका सबसे पहला कारण है लैक ऑफ टाइम इन एग्जाम। ठीक है, क्योंकि एग्जाम की में जो टाइम है पर्टिकुलरली वो आपको दिया गया है सेक्शनल भी और टोटल भी। ठीक है, तो एक यूज टू हो जाए आप स्क्रीन के साथ, आपको एक आइडिया आ जाए कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन को अगर इतने ही टाइम में कवर करना है तो उसके लिए फिर आपको पहले से ही मॉक वगैरह उसका अभ्यास होना जरूरी है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि अगर इंग्लिश की बात करें तो 30 क्वेश्चन है 20 मिनट में 30 मार्क्स के, तो उन 30 क्वेश्चन को 20 मिनट में कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए। क्वांट के अगर 40 क्वेश्चन है तो 30 मिनट है, जीए के अगर 50 क्वेश्चन है तो वहां भी 30 मिनट है आपके पास, रीजनिंग में आपके पास 40 मिनट है, ऑब्जेक्टिव जो पेपर है उसमें टोटल 2 घंटे आपके पास है, तो फिर सब्जेक्टिव के लिए भी डिस्क्रिप्टिव के लिए भी 1 घंटा है, तो वहां कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि पहले से आपकी अगर प्रैक्टिस होगी। बहुत सारे इश्यू और भी आते हैं, जैसे क्वेश्चन पूरा नहीं दिखता है कई बार तो उसे स्क्रॉल करना पड़ता है आगे पीछे, ये बहुत सारी प्रैक्टिस है जो पहले से होनी जरूरी है और टाइम की नीड है, इसलिए आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। ठीक है, दूसरा फॉर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आत्मविश्वास एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी सक्सेस का। अगर हम कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम में जाएंगे तो जो चीजें हमें हमसे थोड़ा दूर भी होती है वो भी अट्रैक्ट करती है कॉन्फिडेंस वाले आदमी को। ठीक है, आमतौर पर अगर हम वहां जाकर के कॉन्फिडेंस में नहीं है और दिमाग पूरा हिला सा हुआ है होच पोच, तो जो चीजें आती है वो भी गलत कराती है हम। ठीक है, तो एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए मॉक टेस्ट को देना जरूरी है। ठीक है, जो तीसरा है वो है फॉर गुड स्कोर। ठीक है, अगर अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि एग्जाम की नीड है, अगर मैं देखूं लास्ट एग्जाम आपका जो 2022 में हुआ था 16 अप्रैल को, उसकी जो कट ऑफ है ऑब्जेक्टिव की वो 120 समथिंग है और सब्जेक्टिव मिला दे तो ओवरऑल जो कट ऑफ है वो 157 समथिंग है। अगर आपको इतना स्कोर करना है दैट मींस आपको 60% से अबव स्कोर करना है और नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, उसके बिना आपका कुछ नहीं हो पाएगा, ये चीज आप माइंड में डाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये था कि नीड क्यों है, अब हाउ इट कैन बी डन। ठीक है, इनको कैसे देना है, कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट है वो देने हैं, तो अगले 20 से 22 दिन है तो मैं चाहूंगा कि ऑल्टरनेट डेज पे आप एक एक सेक्शनल टेस्ट दें और डेली एक मॉक टेस्ट जरूर दें। ठीक है, और उसको सिर्फ देना नहीं है कि हमने अटेम्प्ट किया और उसको छोड़ दिया, जितने मार्क्स आए देख लिया और रफा दफा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसे प्रॉपर एनालाइज करना है, आपको देखना है कि जब मैंने मॉक टेस्ट दिया तो कौन से क्वेश्चन है जिनको मैं सही कर सकता था तो वो किस वजह से रह गए, कहां मैंने गलती की है, उन गलतियों को सुधार करना है। और जो चीज नहीं आती, मॉक टेस्ट सिर्फ रिवीजन के लिए नहीं होते। ठीक है, मॉक टेस्ट हमें ये भी बताते हैं कि जो चीज अधूरी रह गई है, जो पढ़ी नहीं है, उस कंसेप्ट को मैं पढ़ लूं। ठीक है, और उसे अगले टेस्ट के अंदर देखूं कि मैंने कितना इंप्रूव किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले पार्ट इनको देना किस तरीके से चाहिए। अगर नंबर्स की बात करें तो आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 10 मॉक टेस्ट्स आपको जरूर देने हैं, और अगर 10 सेक्शनल टेस्ट भी दे पाए, ठीक है,
तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज्यादा यहाँ पे स्कोर आपका इंप्रूव होगा, ठीक है। बट एक मॉक टेस्ट को इंप्रूव करने के, एक मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना वो तो जरूरी है। मैं उम्मीद करूंगा कि अब तक आपने सारे जो जितने सब्जेक्ट हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं, जैसे एक बच्चा 80% प्रिपेयर होकर के गया एग्जाम में और वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आता है, लेकिन एक बच्चा जिसके 100% कंसेप्ट भी क्लियर है, बहुत सारी चीजें हैं, और वो एग्जाम में जाता है तो वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता बहुत बार। उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वो क्वेश्चंस की राइट सीक्वेंस को नहीं चूज कर पाता। तो जब भी आप घर पे मॉक दें तो राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर टाइमिंग है। जैसे हम इंग्लिश से ही शुरुआत करते हैं, 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट है, लेकिन टाइम 20 मिनट है, ठीक है। अब 20 मिनट में अगर 30 क्वेश्चन करने हैं तो आपकी क्या सीक्वेंस होनी चाहिए? जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना है, जो एरर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट करना है, क्लोज टेस्ट और जो कॉम्प्रिहेंशन है उनको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उनको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, पहले छोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद जैसे रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में आपको जैसे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है, अब आपके पास 40 मिनट है तो लास्ट के 20 मिनट रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के लिए रखिए। हमेशा घर पे भी यही ट्राई करिए कि 20 मिनट लास्ट के सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के लिए और 20 मिनट बाकी पार्ट के लिए। हालांकि अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 में से 20 क्वेश्चन नॉर्मल होंगे और 20 अरेंजमेंट और पजल के होंगे, तो 20 करने के लिए 20 मिनट काफी है और स्टार्टिंग के 20 के लिए 20 मिनट काफी है, ठीक है। और उन 20 मिनट में आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत सारा, अगर ब्लड रिलेशन पे सपोज कोई क्वेश्चन है, लेंथी इंफॉर्मेशन है, तो अगर नहीं स्टार्टिंग में देख के लग रहा है कि नहीं सोल्व हो रही तो स्किप कर लो, उसको भी लास्ट में ले जाओ, ठीक है। जैसे सिलोगिज्म है, इनइक्वालिटी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, आपका रैंकिंग है, डायरेक्शन है, इन पे जो क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट करो। इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ये सब तो सबसे पहले ही अटेम्प्ट करो। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे है, इनको सबसे पहले। अरेंजमेंट और पजल लास्ट में, और उनमें से भी चूज कर लो। अगर 4 अरेंजमेंट और पजल है कि एक अगर नहीं भी होगी तो उसे स्किप कर दो, बिल्कुल ही टच मत करो, उस पर टाइम खराब नहीं करना है। तो ये राइट सीक्वेंस होगी, राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन हो गया आपके पास, तो आप कर पाओगे। ऐसे ही डीआई, उसमें ध्यान रखो क्वांट में, कि क्वांट में डीआई को हमेशा लास्ट में करना है, ठीक है। डीआई पे आपको 2 या 3 डीआई आपके पास होंगे जिनमें 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, तो उनको लास्ट में करना है। जैसे सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, जैसे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और इनमें भी ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि अगर 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज पे है तो 5ों इजी होंगे और उनको आप कर लोगे। अगर आप 3 कर पा रहे हो, 4 कर पा रहे हो 1 मिनट में 2 मिनट में, तो वही करो। एक अगर नहीं हो पा रहा उसे स्किप कर दो, लास्ट में देख लेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें घर पे ही होनी चाहिए आपके, ठीक है। जीए में आप देखो कि जीए में क्या होगा, अगर लेंथी क्वेश्चन है तो उसको लास्ट में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको लास्ट में करो, ठीक है। जहां सोचने वाला कुछ वो है उसको लास्ट में करो, स्टैटिक वाला कोई क्वेश्चन है उसको पहले कर लो, समझ रहे हो। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो राइट क्वेश्चन, राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन आपके पास होना जरूरी है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, नेवर टेक इट ऑन ईगो, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है यहां पे, ठीक है, कि आपको कभी भी एग्जाम के अंदर अपनी ईगो पे नहीं लेना कुछ भी। जैसे मैं सपोज क्वांट की बात करूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन का, और हम सोल्व कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हमसे फंस गया, तो उसको ईगो पे मत लो। कौन देख रहा है आपको, किसने आपको कहा कि आपसे इतना छोटा सा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, तो इसको ईगो पे नहीं लेना। अगर नहीं हो रहा तुरंत स्किप करो और आगे बढ़ो। एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं, ये नहीं है कि कोई इजी वाला क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो उसके मार्क्स आपको, जो मुश्किल वाला हो गया तो उसके कम मिलेंगे और उसके ज्यादा मिलेंगे, या ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, कभी भी ईगो पे नहीं लेना है। कोई चीज अगर नहीं हो रही तुरंत स्किप करो, 10-15 सेकंड में डिसीजन लो, आगे बढ़ो। और ये घर पे करेंगे तब एग्जाम में हो पाएगा। तो पहले जब घर पे मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो तो वहां पे इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाओ और बाद में एग्जाम में फॉलो करो, ठीक है। चलिए उसके बाद बी काम एंड कॉन्फिडेंट, ये सबसे जरूरी है, ठीक है। अगर उतावलापन होगा ना, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं, मैं अपना पर्सनल निजी अनुभव बता रहा हूं, तो एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंचते कुछ लड़के लड़कियां वहां टहलते हुए मिलेंगे आपको जो एग्जाम देने आए हैं, उनकी चाल देख के पता चल जाता है किसका एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे है। दो ही लोगों में कॉन्फिडेंस होगा, जो अच्छी खासी मेहनत करके गया है उसमें कॉन्फिडेंस होगा, और जो कुछ भी नहीं करके गया
भगवान भरोसे होगा हो जाएगा नहीं होगा उसमें कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन उसमें दूसरे तरह का कॉन्फिडेंस होगा। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसमें डर भी होगा। महाभारत में कोट है कि जो श्री कृष्णा और अर्जुन और कर्ण के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो कर्ण को डराया गया उनके सारथी के द्वारा कि अर्जुन को देख के डर रहे हो, ठीक है, श्री कृष्ण महाराज आगे से है तो आपको डर लग रहा है। तो कर्ण ने कहा कि काट के होते हैं वो योद्धा जिन्हें डर नहीं लगता, डर आपको अवेयर करता है। अगर थोड़ा बहुत डर लग रहा है आपको तो दैट मीन्स वो आपको सावधान कर रहा है कि आपको इन इन चीजों ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो डर हमेशा आपको थोड़ा सा सावधान रखेगा, तो वो जायज है, होना भी चाहिए, ठीक है। शांत रहिए, ज्यादा चीजें मत घुमाइए एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि मतलब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ज्यादा मत सोचिए। जो आपके पास टाइम है प्रेजेंट में, जो है आपके पास मॉक करते हुए भी घर पे, उस प्रेजेंट टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए और कॉन्फिडेंस में रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, क्लियर। तो ये सब चीजें हैं जो आपको एक, जब भी आप घर पे मॉक टेस्ट कर रहे हो तो उसमें ध्यान रखना है आपको। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से 10-20% आपका स्कोर कल से बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा अगर आपको मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट नहीं मिल रहे हैं कहीं से भी, तो एडुटैप के द्वारा एक सिडबी ग्रेडेड 2023 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, एग्जाम पैटर्न है हूबहू से, जैसे वहां एग्जाम होगा पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव, वही सिक्वेंस आपको यहां मिलेगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन की बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है हमने, जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन होते हैं जो 2022 के सिडबी एग्जाम में पूछे गए उसी पैटर्न के क्वेश्चन डाले हैं हमने। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, जितना हो सके इसका आप लाभ उठाइएगा। इसमें आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं, ठीक है, चाहे क्वांट है, आपको इंग्लिश है, रीजनिंग है। अब आप अगर इस टाइम पे चाहते हैं कि जीए 20 मिनट में जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर पाएं, एक ही जगह सब चीजें मिल जाएं, स्टैटिक है या दूसरी चीजें, तो वो भी आपको दी जा रही है डाउनलोडेबल फॉर्म में, ठीक है। और प्रैक्टिस सेक्शनल के बाद 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है और एकदम से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप परचेज करते हैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी और आप 10 मिनट के बाद अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अपना रिविजन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इस पे आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, कोड यूज करना है सिड भी, ठीक है। और कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फटाफट से ज्वाइन करिए और जैसा हमने आपको बताया है उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करिए मॉक टेस्ट के अंदर और अपना स्कोर निश्चित रूप से बढ़ाइए। कॉन्फिडेंस के साथ दीजिएगा, पॉजिटिव रह करके दीजिएगा, ठीक है। कम टाइम बचा है बट इस कम टाइम को यूटिलाइज कर लेना, जो हाथ से निकल गया उसे तो वापस नहीं ला सकते, जो चला गया टाइम चला गया, लेकिन जितना बचा है उसे तो यूटिलाइज कर लेना, तो उसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो, टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई टेस्ट सीरीज है तो उससे जो मैंने आपको बताया उस सीक्वेंस को फॉलो करो और अपने स्कोर को इम्प्रूव करो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।